सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू बी द फर्स्ट टू सी द लेटेस्ट वीडियो। अभी आज आपको मेरी दूर की मासी के पोते की मुंडन सेरेमनी है एंड वी हैव टू गो। के मैं वहां जाके क्या करूंगा यार? सुना? हाँ हाँ चलेंगे। बेबी साड़ी के बारे में तो मैं भूल ही गई थी, याद है ये साड़ी? Of course I remember. ये वही साड़ी है ना जो मैं शादी के बाद सेकंड वैलेंटाइन्स पे तुम्हारे लिए लेकर आया था। Red hot and you look very nice in this. आज यही पहनना। हाँ आज यही पहनते। इसका ब्लाउज तो मैंने टेलर को दिया हुआ था ऑल्टर करने के लिए, वापस ही नहीं लिया है अभी तक। तो कोई और साड़ी पहन लो, इतनी सारी अच्छी साड़ियां तुम्हारे पास। वो व्हाइट वाली, दैट्स आल्सो नाइस। नहीं अब मैंने मन बना लिया है मुझे आज यही पहननी है। बिसाइड्स व्हाइट साड़ी तो मैंने खुद खरीदी है और ये तो तुमने गिफ्ट की है, उसमें मैं उतनी हॉट थोड़ी ना लगूंगी। कोई बात नहीं मैं ले आती हूँ, जस्ट बुक अ कैब फॉर मी ना लोखंडवाला मार्केट के लिए। कैब? इतनी बारिश हो रही है मीरा, कैब में तुम परेशान हो जाओगी। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मुझे लेकर चलो। हाँ मैं तुम्हें ले चलूंगा। ओके दैट इज रियली स्वीट बट आई डोंट नो कि वहां पर कितना टाइम लगे, हो सकता है तुम्हें वेट करना पड़े, फिर तुम बोर हो जाओगे एंड देन यू गेट इरिटेटेड। मैं इरिटेट नहीं होऊंगा और मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बोर तो हो ही सकता हूँ। ओके चलो रेडी हो जाओ, लेट्स गो। ओके मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है? ओके क्या हुआ बेबी, इतनी देर क्यों लग गई? 1 घंटा हो गया। क्या बताऊं सत्यानाश कर दिया टेलर ने मेरे ब्लाउज का। क्यों क्या हुआ? यार एक चीज ठीक करने के लिए दी थी, उसे ठीक करने के चक्कर में दूसरी चीज खराब कर दी। अब ये देखो मैंने यहाँ से सिलाई ठीक करने के लिए दी थी, पता नहीं क्या किया चेन खराब कर दी, वो अब चेन भी नहीं लग रही है और अब तो बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट रुइंड नाउ। तो अब क्या, जाने दो इसे, कुछ और पहन लूंगी मैं। बट यू रियली वांट टू वेयर दैट साड़ी ना, तो कहीं और से हमें नहीं मिल सकता इसका मैचिंग ब्लाउज? मिल तो सकता है बट इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड द राइट ब्लाउज, हमको बहुत सारी दुकानों में जाना पड़ेगा, मुझे ट्राई करना पड़ेगा एंड दैट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तुम बोर हो जाओगे, तुम्हें बहुत वेट करना पड़ेगा। अरे इट्स ओके, कम से कम 1-2 दुकानों में तो ट्राई करते हैं, हो सकता है कि मिल जाए। आर यू श्योर? या देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। ओके इतना अच्छा ब्लाउज मिल गया तुम्हें, नाउ यू कैन वेयर दैट साड़ी। आई नो पर तुम बोर हो गए ना। अरे इट्स ओके, तुम्हारे लिए थोड़ा बोर तो हो ही सकता हूँ मैं। अरे कितने बज रहे हैं? 1 सेकंड। 4 बज गए। क्यों 4 बज गए? नहीं कुछ नहीं, जाने दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बोलो ना। तुम ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हो, इट्स ओके जान दो। अरे बताओ तो सही क्या बात है? बात ये है कि एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो टू द सैलॉन, आई वॉन्टेड टू गेट माई हेयर डन, क्योंकि घर जाके खुद करना पड़ेगा एंड देन बहुत लेट हो जाएगा, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू वेट एनी मोर। इट्स ओके बाबा, आई विल टेक यू टू द सैलॉन एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी फाइन। ओके बहुत थक गया है यार मैं, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। ओहो सॉरी बेबी, मेरी वजह से तुम इतना थक गए। कोई बात नहीं, पर उस मुंडन में जाना भी जरूरी है ना। आई थिंक आई शुड टेक अ शावर, आई विल फील बेटर। डू यू रियली वांट टू गो? अगर नहीं जाएंगे तो मासी बुरा मान जाएंगी ना। नहीं आई मीन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो जा ही रही हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग बोथ ऑफ अस। अभी भी इतनी बारिश हो रही है, तुम जाओगी कैसे? अरे मैं नरेन भैया को कॉल कर देती हूँ, वो उन्हें बोलती हूँ मुझे पिकअप कर ले। पक्का? हाँ हाँ, वैसे भी तुम वहाँ पे आके क्या करोगे? You just chill at home. चिल तो वैसे भी मैं सुबह से कर ही रहा हूँ। बेबी मैं ट्राई करके आती हूँ। ओके ठीक है टाइम। बेबी यू वांट कॉफी और समथिंग? नो I'm fine.
किसी की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? वो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ही ढूंढ लेती है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या थी? मुझे दूर की मासी के पोते के मुंडन में नहीं जाना था, लेकिन अगर यही बात मैं खुद अपने मुंह से कहता तो ये उसकी प्रॉब्लम बन जाती, जबकि मेरा काम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनको बढ़ाना नहीं। अब भाई वेटिंग का तो ऐसा है कि हम हस्बैंड्स को कहीं भी कभी भी वेट करना पड़ सकता है, इट्स इनएविटेबल, सो इट्स बेटर यू अप योर गेम। आप लोग भी मेरी तरह एनी टाइम एनी वेयर चिल करने का कोई स्मार्ट सा तरीका ढूंढो। अब जैसे मीरा जाएगी तो मुझे फिर से वेट करना है फॉर हर टू कम बैक, बट नाउ यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चिल मैन। मीरा कितना वेट कराती हो यार, सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे तुम तो खेल रहे हो ना अपना रमी पैशन। बिकॉज़ रमी इज माय पैशन एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन प्ले एनी टाइम एनीवेयर। एंड गाइस दिस वीडियो वाज डन इन एसोसिएशन विद रमी पैशन एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग ऑन द वेबसाइट नाउ विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसआईटी एंड आल्सो लीव अस अ कमेंट। ओके Guys, आज का कॉन्टेस्ट है that what was the last card that Abhimanyu drew before he won. And two lucky winners will get free SIT merchandise. So, जल्दी से जाइए and give us your answers. Bye. Ciao. Oh God, I knew this was going to happen. खाना जाकर खाओ. इतना अच्छा वीडियो ही होगा going to spoil. तुम मेरा मुक्का खाओ. अरे it's okay. कम से कम एक दो दुकानें में जाकर ट्राई कर. हाँ, sorry. क्या पता नहीं हो सकता. कितने सारे ब्लाउजेस ट्राई किए यार तुमने? I know, thanks to you. Thanks to you क्या? मेरी बहुत लंबी लाइन है, आ जाओ। साड़ी में तो तुम बहुत सेक्सी लगती हो, तो करती होती। देखो तो सीटी भी बजानी नहीं थी, मुझे लगता सीटी बजानी आती हो, करती। पुस 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 सीटी।